डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे ट्रांजिशन ऑफ कर्व एंड लेमिनस कट कर्व। लास्ट वीडियो में हमने देखे हैं सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व एंड रिजर्व कर्व। आज हम डिस्कस करेंगे दो टाइप का है इसमें बचा हुआ है। तो ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? एक कर्व इज कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियस इज नोन एज ट्रांस, मतलब ये जो कर्व होगा उसका रेडियस वेरिएबल होगा, चेंज होगा कर्व का रेडियस, तो इसको ट्रांजिशन कर्व बोलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइरल कर्व एंड एसेसमेंट कर्व। इन रेलवे सास ए कर्व इज प्रोवाइड, रेलवे में एक कर्व प्रोवाइड करते हैं। द कर्व इज टू मिनिमाइज द सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन मिनिमाइज करने के लिए ये कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो एक्सेसिव सुपर एलिवेशन क्या होता है? कॉज वेयर एंड टियर ऑफ द रेल एंड डिसकम्फर्ट ऑफ टू द पैसेंजर, इसलिए ये कार्व हम रेलवे में प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ये एक कार्व है, ये हो गया, ये सर्कुलर कार्व है, सिंपल सर्कुलर कार्व, ठीक है। और इसके दोनों तरफ ऐसा करके और एक कार्व होगा इस टाइप का, अलग करके ऐसा कार्व होगा। तो ये दो, इसको ट्रांजिशन कार्व बोलते हैं, ट्रांजिशन कार्व, एंड इसको भी ट्रांजिशन ट्रांजिशन कर्व। ये क्या होता है, सिंपल सर्कुलर कर्व का दोनों साइड में होता है। तो और इस जैसे इसका इसका रेडियस अलग होगा, इसका अलग होगा, तो फिर ये रेडियस फिर वो हो गया, ये सर्कुलर कर्व है, मतलब ये दोनों को जैसे ये है, ये बी है, ये सी है, और ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन एंगल, ये हो गया ट्रांजिशन ट्रांजिशन कर्व, मतलब वेरी रेडियस वेरिएबल है। एक सर्कुलर कर्व के दोनों साइड में एक कर्व, दो कर्व अलग अलग होता है, इसको ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। और नेक्स्ट लेमिनस्केट कर्व, इसमें क्या है, ये हाईवे मेन सिटी एरिया में इसको प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो लेकिन इसका अगर डिफिनेशन और सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट्स करिए, इसका बना दूंगा, एक लेंदी है सोल्यूशन इसका, इसलिए मैंने शॉर्ट लिख के रखा है। अगर आप लोगों को जरूरत है, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करिए, मैं इसका इसका जो सोल्यूशन है इसका इस ड्राइंग के साथ इस तरह का मैं बना दूंगा। और नेक्स्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ कर्व। द डिग्री ऑफ कर्व किसको बोलते हैं, देखिए, द एंगल ऑफ ए यूनिट कोट ऑफ लेंथ 30 मीटर सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ फॉर्म बाय कर्व, मतलब 30 मीटर का कोड होगा, यूनिट कोड, जैसे ये कोड ये हो गया यूनिट कोड हो गया, ये 30 मीटर का यूनिट कोड का देने के बाद जो एंगल बनेगा ऐसे डी बनेगा, इसको डिग्री ऑफ कर्व बोलते हैं, मतलब ये ए बी 30 मीटर होना वही है। और द कर्व मे डिजिग्नेटेड अकॉर्डिंग टू आइदर रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व, उस कर्व को हम कर्व को एक्चुअली डिग्री ऑफ कर्व से भी जानते हैं एंड रेडियस ऑफ कर्व से भी हम कर्व को डिनोट करते हैं। जैसे डिग्री से कैसे जानते हैं, जैसे यूनिट कोट सबस्टेन एंगल, अगर एंगल 1 डिग्री होता है तो इट इज कॉल्ड 1 डिग्री कर्व, 1 डिग्री कर्व। अगर एंगल 2 डिग्री होता है तो 2 डिग्री कर्व, 2 डिग्री कर्व एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएगा, 3 होने से 3 डिग्री कर्व, 4 होने से 4 डिग्री कर्व, इस तरह का। लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करना रखना है आपको, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं। जैसे इट मे बी कैलकुलेटेड दैट रेडियस 1 डिग्री कर्व इज 1 डिग्री कर्व का रेडियस कितना होता है, आर इज इक्वल टू दे रखा है 1719 मीटर, ये कभी भी वेरी हो सकता है, 1720 कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछेंगे, आ सकता है, आस्किंग होता है, जैसे 1 डिग्री कर्व में रेडियस कितना होता है, तो उसके वेराइटीज ऑप्शन दे रखेंगे, 70 जिस पॉइंट 1719 के नज़दीक अगर ऑप्शन होगा वही होगा करेक्ट। और एक्चुअली 1719 1720 भी कई कई बुक में थोड़ा सा हेरफेर होता है, लेकिन ये 17 मैंने देखा 1719, तो 1719 लिखने से भी होगा, 1720 लिखने से भी हो जाता है, नो प्रॉब्लम।
और यही इसका, लेकिन ये डिग्री ऑफ पब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। और आपका कभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई इंजीनियरिंग का जॉब के लिए जो भी एग्जाम होता है उसके लिए भी ये पूछते हैं। तो ये डिग्री ऑफ पब आपको अच्छे से याद रखिए। और वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, शॉर्ट ही बनाता हूँ। तो अगर आपने चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, तो कि नया वीडियो आती है आपको लिंक मिल जाएगा। और आप लोग वॉच करते हो ठीक, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब करिए तो मैं मोटिवेट होऊंगा और नए नए वीडियो लाते रहूँगा आप लोगों के लिए। सिविल इंजीनियरिंग का इस चैनल में आपको सिविल इंजीनियरिंग का सर्वे का स्टार्ट किया हुआ है, सर्वे का फुल लोड मिलेगा। और अगर दूसरा सब्जेक्ट के लिए भी आप लोगों को नीट है तो मैसेज करिए, कमेंट्स करिए, मैं मेक श्योर मैं बनाने कोशिश करूँगा और बनाऊँगा ही। और पहले सर्वे को मैंने स्टार्ट किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड बिटवीन रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ज़रूरत होगा, ये हम सोल्यूशन देखेंगे। एक बार ये समझ जाओगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कभी भी आप एग्जाम में ये ड्राइंग करके आप निकाल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।